स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस सीक्वेंस में, जहां पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूव और इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। उसके साथ साथ स्टॉक फ्यूचर में जो हम ट्रेड लेते हैं उसका रेशनल भी शेयर करते हैं, उसका रिजल्ट शेयर करते हैं और फिर हमने क्या पोजिशन बनाई है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों कल के लिए क्या हमने पोजिशन बनाई थी एक बार उसको देख लेते हैं। तो यह मेरा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, तो यस्टरडे आपको दिख रहा है यहाँ पे, यस्टरडे मैंने बताया था कि एड गेल फ्यूचर टू वॉच लिस्ट विल गो लॉन्ग नियर क्लोजिंग इफ स्पॉट प्राइस ट्रेड्स अबोव 484। सो आई डिड गो लॉन्ग एज आई सेड, तो मैंने बताया था इसमें गेल में हमने लॉन्ग किया था। तो एक बार देख लेते हैं उसमें क्या हमें रिजल्ट देखने को मिला। तो ये है गेल का स्टॉक, आप देख सकते हैं 8 रुपये ऊपर बढ़त के साथ आज क्लोज हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कल के वीडियो में मैंने इसमें क्या डिस्कशन आपके साथ किया था। तो दोस्तों अगर आपको कल का वीडियो मेरा याद है तो मैंने याद हो तो मैंने आपको बताया था कि गेल में हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई है। मैंने बताया था कि जनरली जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो और मैं, हम पर्सनली यही करते हैं कि जैसे ही स्टॉक गैप अप खुलता है 2 से 4 हज़ार रुपये के बीच में जो भी प्रॉफिट होता है तो हम इसको इमिडिएटली बुक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गेल ऊपर के लेवल पे ओपन हुआ था तो इसलिए हमने हमारा जो इनिशियल प्रॉफिट था उसको इमिडिएटली बुक कर लिया था हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसके साथ। तो आप देख सकते हैं हमने इसको ख़रीदा था 486 में और 488 में, 486.95 और 488 में, तो 487 का था 488 में बेचा, तो करीब 2000 का लॉट है तो 2000 रुपये जैसे इसमें हमें मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कल के वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि ये जो ऊपर के लेवल पे प्राइसेस में रिजेक्शन आपको देखने को मिला है, मेरा मानना था कि ये भी आपको आज इतने लेवल तक का टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं उससे भी ऊपर का टारगेट आपको मिला था यहाँ पे। अगर आपने स्टॉक को ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे एक बार प्राइसेस आई थी, फिर यहाँ से रिजेक्शन आया था, प्राइसेस नीचे गई थी, फिर अगेन एक बाइंग आई और फाइनली उसी के लेवल के आसपास क्लोज हुआ। तो जैसे कि मैंने वीडियो में एनालिसिस किया था हूबहू वही आपको लेवल ट्रेड देखने को मिला है। और अगर आपने इसमें पोजीशन होल्ड करी हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको करना चाहे तो कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं 11,400 रुपये तक का प्रॉफिट आपको इसमें आज देखने को मिल सकता था। तो ये था हमारा एनालिसिस गेल के लिए। और मैं ये भी बता दूँ कि काफ़ी जो मेरे सब्सक्राइबर थे जिनकी रिस्क कैपेसिटी है, इन्होंने इसमें पोजीशन होल्ड करी थी और उन्होंने ये जो 11,000-8,000 के आसपास का प्रॉफिट है वो भी लिया था। अब हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में यहाँ से क्या लेवल देखने को मिल सकता है, क्या मूव इसमें टेक्निकल इंडिकेटर सजेस्ट कर रहे हैं, ऑप्शन एक्टिविटी रेंज क्या बनती दिख रही है और फाइनली इसमें क्या मूव आपको बनता दिख सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक इनडिसाइसिवनेस के बाद आज आपको एक जो कैंडल देखने को मिला है, सॉर्ट ऑफ इसको हैमर आप बोल सकते हैं, हैंगिंग मैन या हैमर, वर्ड से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दर्शाता है कि नीचे के लेवल मार्केट एक बार आया था लेकिन अगेन यहाँ पे प्राइसेस रिजेक्ट हुई और वापस ऊपर के लेवल पे मार्केट क्लोज होने में कामयाब रहा था। तो मैंने कल के वीडियो में आपको बनाया था कि मार्केट अगर इस पर्टिकुलर लेवल से नीचे ट्रेड करता है तो आप ये इस कैंडल के नीचे के तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप उसको देखें तो आपको उसके आसपास का मूव आज आपको इसमें देखने को मिला है। लेकिन यहाँ से मेरा ये मानना है कि ऊपर के लेवल पे अनसर्टेनिटी के बाद अगर कैंडल रेड बनता है तो अब जो सेंटिमेंट्स हैं वो थोड़े नेगेटिव रहेंगे। और दूसरा आप सीसीआई को देखेंगे, जस्ट सेकंड मैं थोड़ा चार्ट को ब्रॉड कर दूं, सीसीआई को देखेंगे, मैकडी को देखेंगे और आरएसआई को देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर के लेवल पे आपको हल्का सा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी हम शॉर्ट नहीं जाएंगे, शॉर्ट जाने के लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए जो अभी भी लैकिंग है। लेकिन मेरा मानना है कि एक बार अगर 10,996 मतलब 11,000 का जो लेवल है वो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली सेंटिमेंट्स थोड़े बहुत नेगेटिव हो जाएंगे और 10,947 तक मार्केट जा सकता है। और दोस्तों मैं आज अपने जो एक्चुअल प्लेस से बाहर हूँ तो ऑप्शन एक्टिविटी का एनालिसिस आपके साथ में शेयर नहीं कर पाऊँगा। तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी के लिए। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे हमने कल के लिए कौन सा स्टॉक में क्या पोजीशन बनाई है और उसका क्या रेशनल है, वो भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अब बात कर लें बैंक निफ्टी की, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक थोड़ा बहुत इनडिसिजन देखने को मिला था और उसके बाद आपको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जिसको बोलते हैं वैसा आपको
पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ये भी यही सजेस्ट कर रहा है कि नीचे के लेवल पे ज़्यादा प्राइसेस रिजेक्ट हुई और ऊपर के लेवल पे कम प्राइसेस रिजेक्ट हुई, प्लस जो कैंडल है वो भी प्रीवियस कैंडल से ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ऊपर के लेवल में ही क्लोज होने में कामयाब रहा है। तो ये ज़्यादा बुलिश है निफ्टी के मुकाबले, लेकिन यहाँ पे भी एक अनसर्टिनिटी का माहौल ज़रूर है क्योंकि एक बार अब नीचे का लेवल टेस्ट हो चुका है तो हो सकता है कि स्मार्ट मनी जो है उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया। तो यहाँ पे भी अगर आप 27,097 का लेवल ब्रेक, 27,080 का लेवल ब्रेक होता देखते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 26,943 8 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उस लेवल तक के आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। CCI आप देख सकते हैं ऑलरेडी नीचे की तरफ जा रही है। MACD में एक रेंज ब्रेकआउट के बाद बेरिश क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है, अगर ये मैच्योर होता है तो डेफिनेटली एक अग्रेसिव मूव आपको देखने को मिलेगा। रिलेटिवली लॉन्गर टर्म MACD में भी अभी भी आपको दिख सकता है कि बुलिश क्रॉस ओवर ही वैलिड है, लेकिन बेरिश क्रॉस ओवर हल्का थोड़ा सा बनता दिख रहा है। RSI बहुत ही ऊपर के लेवल पे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के आसपास ही यहाँ पे ट्रेड करता दिख रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे कि मैंने आपको जो लेवल बताया 27,050 या तो आप इसका जो एग्जैक्ट 27,080 के आसपास का जो लेवल है उससे अगर ब्रेक होता है मार्केट तो अग्रेसिवली नीचे की तरफ के मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कल के लिए हमने क्या पोजीशन बनाई है और उसका क्या रेशनल है। तो ये है मेरा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट और आप देख सकते हैं टुडे 9:15 को हमने पोजीशन स्क्वायर कर दी थी गेल वाली। आप देख सकते हैं कि मैंने 2:58 को बताया था कि विल गो शॉर्ट इन निफ्टी इफ़ नियर क्लोजिंग निफ्टी स्पॉट ट्रेड्स बिलो 11,030। हालांकि ऐसा हुआ नहीं तो हम इसमें शॉर्ट नहीं गए। मेरा मानना है कि यहाँ पे एक जो इनिशियल सेंटिमेंट्स हैं वो बुलिश ही माने जाएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ के लिए। फर्दर आप देख सकते हैं कि 3:18 पे मैंने बताया था कि विल गो लॉन्ग इन IOC फरवरी फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। इफ़ स्पॉट प्राइस नियर क्लोजिंग ट्रेड्स अबाउ 392 तो 392 के ऊपर IOC ने ट्रेड किया था और हम इसमें लॉन्ग है। मैं आपको एक्चुअल पोजिशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन सबसे पहले IOC का एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इधर किधर ही आपको मिल जाएगा। ये रहा 2 रुपये की बढ़त के साथ आज क्लोज होने में कामयाब रहा है और इसका जो रेशनल है वो काफ़ी यूनिक है। जनरली हम जो ट्रेड लेते हैं उससे ये थोड़ा अलग है और थोड़ा कॉल भी इसमें रिस्की है, लेकिन अगर इसमें प्रॉफिट होगा तो अच्छा खासा गैप अप आपको ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि अगर आप इसको देखेंगे तो जब भी स्टॉक अपनी 89 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे के लेवल पे ट्रेड और वापस अपने 34 डेज की एवरेज को टेस्ट करता है तो अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिलता है। वापस और नीचे गया, अगेन ऊपर आया, यहाँ पे और रिजेक्शन देखने को मिला और फाइनली आज आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है अपनी 34 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा है। लेकिन अभी भी जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है वो इनडिसिजन ही दर्शाती है, लेकिन हमारे लिए जो अच्छी बात है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉस ओवर नीचे के लेवल पे बना हुआ है। तो सपोर्ट जो है वो होल्ड करेंगे और जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 34 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो उससे नीचे अगर मार्केट ये स्टॉक पर्टिकुलरली जाता है तो थोड़ी ही देर में इसको ऊपर वापस आ जाना चाहिए, ऐसा आप इसको मान के चल सकते हैं। क्योंकि जब भी बुलिश क्रॉस ओवर बनता है तो जो सपोर्ट है वो इफेक्टिव हो जाते हैं। फर्दर आप देख सकते हैं कि CCI भी जो है अपनी एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रेक करके ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 83 का वैल्यू है प्लस 100 का वैल्यू अज्यूम कर सकता है, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव की शुरुआत भी आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा MACD में आप देखेंगे तो प्लस 0 जो है बुलिश क्रॉस ओवर के साथ ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। रिलेटिवली लॉन्गर टर्म MACD को देखेंगे तो वो अभी बुलिश बना हुआ है और अपने एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब भी अभी आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने अपनी जो है 34 डेज के एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रेक किया है, तो आप देख सकते हैं कि जब भी स्टॉक अपने 34 डेज के एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सेंटिमेंट जो रहता है वो ओपनिंग जो रहता है वो बुलिश रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने अपने 34 डेज के एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रेक किया और नेट आपको गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिला। फर्दर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और ट्रेड आपको पीछे थोड़ा जाके देखना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 34 डेज के एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रेकअप किया और आपको नेक्स्ट डे जो है ऊपर के लेवल के टारगेट देखने को मिले। अगेन यहाँ पे अपने 34 डेज के एक्सपोनेंशियल एवरेज को ब्रेक किया और आपको ऊपर के लेवल पे टारगेट नेक्स्ट डे देखने को मिलते हैं। तो ऐसे करके भी आप देखेंगे बैक टेस्ट करके, जो कि मैंने भी देखा है, तो यहाँ पे जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी बुलिश तौर पर देख सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी रिस्की मूव है क्योंकि
यहाँ पे अभी भी जो कैंडल ठीक है, कल का जो मूव है वो काफ़ी डिसाइसिव रहेगा, और अगर 398 का लेवल ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड करता है तो डेफिनेटली इसमें अगेन आप लॉन्ग जा सकते हैं, और आप जो टारगेट फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आपका होगा 406। तो ये था दोस्तों हमारा आज का एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। मैंने हमारे कल के स्टॉक में आपको रिजल्ट भी बताया, मैंने आपको बताया कि कैसे कैंडलस्टिक एकदम इफेक्टिवली होल्ड करता है, और जो हमने टारगेट प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था 10,000-12,000 का प्रॉफिट, वो भी आपको अचीव होते हुए दिखा है। बट जनरली हम 2,000-4,000 रुपये ओपनिंग में मिलते हैं, तो हम ज़्यादा वेट नहीं करते। और दोस्तों अगर आप भी मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे 9574399 01 पर मैसेज कर सकते हैं। ₹1,00,000 अगर आपके पास कैपिटल है, 10 मिनट का टाइम है, तो आप भी स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप भी अगर हमारे सिस्टम को सीखना चाहेंगे तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको भी आप चेक करके ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू।